जब इनकी जरूरत होती है इनके पार्टी को, इनके नेताओं को या फिर बिहार की जनता को, तो तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। कि सांड को लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो सांड भड़क जाता है। वैसे भी बिहार के युवाओं की स्थिति हो गई है कि वो बीजेपी का ये झंडा देखते ही उसी तरह भड़क जा रहे हैं। मैं डगरा का बैगन, जो डगरा होता है ना, उसको इधर कीजिए तो इधर गिरेगा, इधर कीजिए तो बैगन इधर आता है। बिहार भाजपा के विधायकों की वही स्थिति है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो वही अभी स्थिति में नीतीश कुमार है। इतना होने के बावजूद अगर केंद्र की भाजपा बिहार भाजपा पर रहम नहीं करती हो, तो समझिए कि बिहार केंद्र भाजपा के लिए वो राज्य है जहां से उनको 35-40 सांसद चाहिए। इससे ज्यादा बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं। कैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री शांत रह सकता है जो ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेरा USP है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसका राज 3 दिनों से चल रहा है। क्या नेता प्रतिपक्ष की इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? और नैतिक छोड़िए, हम नैतिकता की बात इन नेताओं से नहीं करते हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनका ड्यूटी तो ये जरूर बनता है कि भाई जब आप बोल रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं छात्रों को कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ ट्विटर से साथ दीजिएगा, ट्विटर पे तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इनके जेहन में यही बसा हुआ है कि बिहार में राज करना है तो जात को लेकर चलना होगा, न कि छात्रों को लेकर चलना होगा, न नौकरी को लेकर, न बेरोजगारी को लेकर। ये सिर्फ स्लोगन बना हुआ है कि दबित वंचित बेरोजगार ये सब जो है ना, शोषित, ये सब है केवल एक बना हुआ है डायलॉग। जिस स्थिति में मुख्यमंत्री है उससे ज्यादा बदतर स्थिति में बिहार का विपक्ष अभी चल रहा है। ये जो है केवल बहलाना अभी तक जानते हैं, युवाओं के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, बेरोजगारी के नाम पर सिंपैथी बटोरना चाहते हैं। राज्यसभा में आपकी बहन ने एक बार चर्चा नहीं किया है बिहार के युवा के लिए, बेरोजगारों के लिए। कैसे मैं मान लूं कि आप जो है हमदर्द बनते हैं और ट्विटर पर आग लगाने वाली बात बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं, पूरा बिहार जल रहा है, कोई आदमी अभी एक से दूसरे जिला में जाना चाहे ट्रेन से या गाड़ी से नहीं पहुंच पा रहा है। वो छात्रों के फेवर में देखा जाए तो चिराग पासवान और पप्पू यादव ही हैं, और इन्होंने अपने स्तर से जिनका इतना शक्ति है इन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार में कम से कम विरोध दर्ज कराया। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज महागठबंधन के तरफ से बिहार बंद का आगाम किया गया था, जिसको लेकर बता दें आपको कि तमाम जो पार्टियां हैं वो सड़क पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजद के तरफ से भी कहा गया था कि हम सड़क पर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजद जो है वो सड़क पर नहीं रही थी। इस मामले पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए एक तरफ उदित आर्यन, दूसरी तरफ आदेश पूरी हमारे सहयोगी है। पहले उदित आर्यन से शुरुआत करेंगे, क्या कहिएगा इस पर? महागठबंधन की आज बंदी थी। देखिए, अग्निपथ योजना जब मंगलवार को देर शाम राजनाथ सिंह की तरफ से घोषणा की गई, देश के रक्षा मंत्री हैं, तो उसके बाद से उसके अगले दिन से ही इसका जो विरोध है वो बिहार से ही शुरू होती है। बिहार का बक्सर जिला, जहां पर सबसे पहला प्रतिरोध जो है, यानी विरोध आप कहिए, प्रदर्शन कहिए, उपद्रव कहिए, वो शुरू होता है, और उसके बाद ये आग जो है पूरे बिहार के साथ साथ पूर्वांचल होते हुए हरियाणा तक पहुँच गया। लेकिन आज जो शनिवार का दिन है, इस दिन को मुकर्रर किया गया था बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, महागठबंधन में माले हो, राजद हो, अब कांग्रेस भी कह सकते हैं, इन तमाम लोगों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि आज बिहार बंद रहेगा। तो भाई, कल ही जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष राजद के, उन्होंने इस बात का ऐलान किया, घोषणा किया, तो आज जो बंदी हुआ इसमें अब हमारा सवाल है कि तेजस्वी यादव कहाँ थे? और तेजस्वी यादव को छोड़िए, क्या तेजस्वी यादव ने फोन करके अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, नेताओं को कहीं हिदायत तो नहीं दे दिया था उन्होंने कि कोई भी सड़क पर नहीं उतरेगा? अभिषेक, आज दिन भर आप लोग सड़क पर थे, आप थे, हिमांशु, रत्नेश, लगातार हम राजद कार्यालय, भाजपा कार्यालय, JDU ऑफिस, जितने जगहों पर हैं हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, राजद का एक भी कार्यकर्ता दफ्तर तक में मौजूद नहीं था। तो आखिरकार भाई, ये किसको आप ठग रहे हैं बिहार में? एक तो केंद्र सरकार इस तरह की योजना लाती है जिससे छात्र जो सेना के अभ्यर्थी हैं, जिन्हें सेना में जाना है, वो इतने भड़के हुए हैं, और उनका जो भड़कना है वो सही है, हालांकि हिंसा जो वो अपना रहे हैं, हिंसा का रास्ता वो गलत है, लेकिन उनका गुस्सा सही है, मैं इस बात से सतत सहमत हूँ। लेकिन अब इसका जब राजनीतिकरण किया गया, और राजनीतिकरण करने के बाद आप इस तरह पीछे भाग रहे हैं, तेजस्वी यादव का आप रिकॉर्ड याद कीजिए ना, कब हुआ है जब बिहार संकट में रहा हो, बिहार आपत्ति में रहा हो, बिहार उस स्थिति में रहा हो जहां नेता प्रतिपक्ष की जरूरत हो और तेजस्वी यादव मौजूद रहे हो? 2019 का आप याद कीजिए, पटना डूबना, अक्टूबर का महीना, पूरा पटना डूब गया, तेजस्वी यादव गायब, चमकी बुखार हर साल मुजफ्फरपुर में आता है तब तेजस्वी गायब,
कोई भी प्रकरण, एक प्रकरण कोविड के समय ढाई महीना जाकर बैठे हुए थे दिल्ली में, 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और जब पार्टी को अपने नेता की जरूरत थी उस समय ये बैंकॉक चले गए थे 40-45 दिनों के लिए, तो एक भी बार जब इनकी जरूरत होती है इनके पार्टी को, इनके नेताओं को या फिर बिहार की जनता को, तो तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। और देखिए इसे आप क्या कहिएगा, विडंबना कहिए, आयरनी कहिए कि 2020 का विधानसभा चुनाव यही तेजस्वी यादव हर सभा में चीख चीख कर रोजगार और शिक्षा पर बात कर रहे थे कि भाई रोजगार जो है, बेरोजगारी, पलायन, यही सब पर चुनाव लड़े। और आज जिस रोजगार के लिए जो बिहार के, देखिए ये जो आंदोलन है ये प्रायोजित नहीं है, प्रायोजित आंदोलन तब होता है जब कोई नेता होता है किसी आंदोलन का, और प्रायोजित आंदोलन इतना हिंसक भी नहीं होता है। ये छात्रों का गुस्सा है, ये छात्रों का वो गुस्सा है जो पिछले 7-8 सालों से दबा हुआ था, और उस गुस्से को घी डाले हैं तेजस्वी यादव कल कि भाई हम आपके साथ आएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। ये शर्म की बात है कि बिहार में एक भी पंचायत में, पटना तो छोड़ दीजिए, पटना का डाक बंगला का हमने एक वीडियो भी बनाया है, देखिए स्क्रीन पर आप देखिए ये वीडियो, सिर्फ आपको वहां पर पप्पू यादव दिख रहे होंगे, पप्पू यादव के 50-60 कार्यकर्ता जो हर आंदोलन में रहते हैं वही वहां पर मौजूद थे, और चारों तरफ डाक बंगला खाली है, कहीं कोई बंदी नहीं है। 1 से 1.5 घंटे के लिए पप्पू यादव आते हैं तो डाक बंगला ब्लॉक होता है, और उसके बाद पटना का यातायात सुचारू रूप से जो आम दिन में होता है वही देखने को मिला। यानी कि एक तो 2020 के चुनाव के, विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी अपना वादा भूल गए, रोजगार पर चुनाव लड़े वो मतलब भूल गए, और उसके बाद आज का दिन अब देखिए छात्र तो भाई ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए ये फैसला गलत है, ये जो सेना में बहाली के लिए अग्निवीर और अग्निपथ की चर्चा हो रही है ये गलत है, संविदा पर आर्मी में बहाली नहीं होनी चाहिए, हम भी इस बात से सहमत हैं। और इसके एवज में बिहार जल रहा है, 60 बोगी जल गया, करीब 200 के आसपास अभ्यर्थी जेल में हैं, कब छूटेंगे? सोचो ना, एनटीपीसी के समय जो गिरफ्तारी हुई थी अभी तक वो रिहा नहीं हुए हैं, ये कब रिहा होंगे भगवान जाने। तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, वो तो मान लीजिए अपने मुद्दे पर फेल है, लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष की इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? और नैतिक छोड़िए, हम नैतिकता की बात इन नेताओं से नहीं करते हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनका ड्यूटी तो ये जरूर बनता है कि भाई जब आप बोल रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं छात्रों को कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ ट्विटर से साथ दीजिएगा, ट्विटर पे तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सेना का कोई जो अभ्यर्थी है वो नहीं ट्विटर पर होगा भाई, वो गांव का गरीब लड़का है जो धूप में तैयारी करता है, उसके पास सिर्फ उसकी शारीरिक क्षमता है जिसके बदौलत उसे एक नौकरी मिल सकती है जिस पर वो अपना जीवन जी ले, उसे ट्विटर नहीं पता है। और अब तो इंटरनेट भी कटा हुआ है 12 जिलों में, और 12 जिला क्या आदेशपुरी मोतिहारी के हैं, इनके मोतिहारी में भी इंटरनेट कटा हुआ है जिसका जिक्र तक नहीं है, कई जिलों में इंटरनेट नहीं है। तो सोचिए कितनी शर्म की बात है कि बिहार में सिर्फ पप्पू यादव ने 50-60 कार्यकर्ताओं के साथ, और एक नेता है जिनको मैं मतलब निजी तौर पर आप कह सकते हैं जिनके लिए धन्यवाद कहा जाए या अच्छा उन्होंने काम किया कि राज्यपाल के पास जाकर चिराग पासवान जो है वो चिट्ठी सौंपे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं कि इस कानून को, माफ कीजिएगा, इस योजना को वापस लिया जाए। तो ये बेहद शर्मनाक है अभिषेक, और बिहार का ये दुर्भाग्य है कि जिस स्थिति में मुख्यमंत्री हैं उससे ज़्यादा बदतर स्थिति में बिहार का विपक्ष अभी चल रहा है। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहिएगा इस पे, लगातार बिहार बंद को लेकर कहा गया था। देखिए बिहार बंद को लेकर कहा गया, तेजस्वी यादव का अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है, ये ट्विटर नेता हैं, ट्विटर वीर भी इन्हें कहा जा सकता है, इस तरह अग्निवीर चर्चा किया जा रहा है सेना के जवानों के लिए कि यह देश जवानों और किसानों का है, संघ भाजपा दोनों के कट्टर विरोधी हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इनके द्वारा किया गया, और तेजस्वी यादव से इससे ज़्यादा की उम्मीद किया भी नहीं जा सकता है। आपको बताएं कि देखिए उदित ने ये बात कहा कि लीडर ऑफ ओपोजिशन है, ये तो इनका दायित्व तो बनता है कि जब स्टेट में जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो तो इनको भी अपील करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, और ये बिहार को जलता छोड़ पता नहीं कहाँ गायब हैं। आपको सोचना चाहिए कि भाई आप लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं और आप किसी भी संकट के समय में, आज चलिए सरकार ने अगर युवाओं को लगता है कि सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना लाया है ये गलत है, तो नेता प्रतिपक्ष का ये दायित्व तो बनता है कि वो जो ट्विटर पर जो आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो सड़कों पर भी आएं, और सड़क पे आएंगे तो एक हो सकता है कि उनके साथ रहने पर एक जो विरोध है वो मर्यादित ढंग से हो, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि भाजपा और संघ जो विरोधी है तो इस विरोध को और इस योजना को ख़त्म करवाने की जिम्मेवारी भी इन पर ही है।
लेकिन ये कभी तो आते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि ये कहते हैं कि हम उदित ने कहा कि 2020 का चुनाव जो है वो रोजगार पर, नौकरी पर, युवाओं के दम पर लड़ा गया था, और ये जो है केवल बहलाना अभी तक जानते हैं, युवाओं के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, बेरोजगारी के नाम पर सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये कभी भी किसी मोर्चे पर नहीं आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं कि 8 मई को आपने देखा होगा कि बीपीएससी का पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक किया, और ये 10 मई को हैं मुख्यमंत्री के साथ जातिगत जनगणना को लेकर बैठक करते हैं, यानी कि इनको पता है कि वोट जो है वो जात पे ही मिलने वाला है, ये छात्र और ये नौकरी वैकेंसी ये सब के नाम पर नहीं मिलने वाला है। यही अगर जात को लेकर मामला रहता तो ये सड़क पर आज अपने हाजिरी लगा चुके रहते, उसके लिए जो भी करना रहता है ये कर चुके रहते। तो देखिए इनके मन में, और दूसरा बात कि छात्रों की बातें करना भी इनसे बेकार है। जो व्यक्ति खुद मैट्रिक और यूनिवर्सिटी का मुंह कभी नहीं देखा, जो किसने कभी ने तैयारी नहीं किया किसी चीज़ का, वो क्या समझेगा छात्रों का दर्द क्या होता है, उनके साथ कैसा प्रॉब्लम होता है। तो ये बस इनका चुनावी जुमला है, और ये चुनाव के समय में इसको यूज किया जाता है। 2020 में इनको बड़ा फायदा हुआ इससे, तो हो सकता है कि 25 में भी करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि इनके जेहन में यही बसा हुआ है कि बिहार में राज करना है तो जात को लेकर चलना होगा, न कि छात्रों को लेकर चलना होगा, ना नौकरी को लेकर, ना बेरोजगारी को लेकर। ये सिर्फ स्लोगन बना हुआ है कि दबित, वंचित, बेरोजगार, ये सब जो है ना शोषित, ये सब है केवल एक बना हुआ है डायलॉग जो कि भाषण में जिसका जिक्र करना है। अगर थोड़ा सा भी इनको रहता मानवता और हमदर्दी रहता बिहार से और बिहार के युवाओं से, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि पता ही नहीं है कि कहां पर क्या बवाल हो जाएगा। मसौढ़ी देखिए आप, तरेगना पूरा स्टेशन फूंक दिया गया मसौढ़ी। एक इन्होंने अपील किया है कि आप शांति का अपील किया इन्होंने कि विरोध का जो है, आप कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान, तो बाबा साहब के संविधान में ही लिखा हुआ है कि विरोध आपको किस तरह करना है। एक बार भी एक ट्वीट इन्होंने कहा है कि बिहार के युवा आप शांत रहें, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं जाऊँगा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए, आप शांति से विरोध प्रदर्शन करें, हमको मजबूत करें, हम आपके साथ आते हैं। एक तो ये भी बयान इनकी तरफ से नहीं आया है, यानी कि ये मजे ले रहे हैं केवल आरएसएस और बीजेपी को गाली देना है, और बस केवल वही बेरोजगारी महारैला ये करने वाले थे, आज तक महारैला नहीं हुआ। किस मुंह से कहते हैं कि मोदी सरकार नहीं देती है जॉब और मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, वो कर रही है ठीक है, लेकिन आप उसमें साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार भी सड़क पर नहीं आके कहा है कि रोजगार के चलते यहाँ के युवा जो है बर्बाद हो रहे हैं, आपने एक बार भी प्रेशर नहीं डाला है। आपके किसी भी नेता ने संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में तो आप है भी नहीं, राज्यसभा में आपकी बहन ने एक बार चर्चा नहीं किया है बिहार के युवा के लिए, बेरोजगारों के लिए। कैसे मैं मान लूं कि आप जो है हमदर्द बनते हैं, और ट्विटर पर ये आग लगाने वाली बात बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं, पूरा बिहार जल रहा है, कोई आदमी अभी एक से दूसरे जिला में जाना चाहे ट्रेन से या गाड़ी से नहीं पहुंच पा रहा है वो, और आप केवल ट्विटर पर आग लगा रहे हैं यहां पर आकर कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और जो है इसको बहकाओ लहकाओ। तो सब लोग देख रहा है कि अभी मुसीबत में छात्र हैं, पकड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनके द्वारा आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन आपके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, ये एकदम पक्का है कि चलिए मोदी सरकार ने ये नियम लाया गलत है, उसको वो कंसेशन कर करके मनाना चाह रहे हैं, हो सकता है कंसेशन करते करते उससे वापस भी ले ले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप केवल जो है ट्विटर वीर बने हुए हैं, बस ट्विटर पर बोल देना है। एक सवाल रहेगा उदीप्त आपसे, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था, बिहार भाजपा को कैसे देखिए? बिहार भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। एक शब्द हम लोग के जिला में बोला जाता है बक्सर में, डगरा का बैगन, जो डगरा होता है ना उसको इधर कीजिए तो इधर गिरेगा, इधर कीजिए तो बैगन इधर आता है। बिहार भाजपा के विधायकों की वही स्थिति है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। भाई जिस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी उसके प्रदेश अध्यक्ष के घर पर इतना पथराव होता है कि जो 10-12 पुलिस बल है वो भाग चला वहाँ से, संख्या 1000-2000 छात्रों की होगी, नहीं टिकेंगे वो लोग। जिस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के वो विधायक जो नीतीश कुमार के सामने सीना चौड़ा करके उनके बात को काटते हैं विनय बिहारी, उनको पीट दिया गया। जिस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी से उप मुख्यमंत्री बेतिया की रहने वाली रेणु देवी का घर नहीं बख्शा लोगों ने, और उस पार्टी के लिए, मतलब पार्टी मत कहिए, उन नेताओं के लिए ना तो दिल्ली में बैठे उनके लोग कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली में जो भाजपा है जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुप्पी साधे हुए हैं, और उसके बाद बिहार में आप देखिए कि क्या मजाक है। कल इन तीनों लोगों के ऊपर हमला हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, तो वो बैठकर एसी के कमरे में
कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, और बालू किस तरह बिकेगा बिहार में इस पर वो बजाबते फैसले ले रहे हैं। मतलब ये तो उनको मुंह चिढ़ाना हुआ ना, उनको चिढ़ाना हुआ बिहार भाजपा को कि आप सिर्फ यहां पर सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आपके यहां पर ना कोई औकात है, ना यहां पर आपका कोई वजूद है, और ना आपकी कोई यहां बिसात है। आपको इसी तरह पीटा जाएगा और हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कल एक वीडियो हमने देखा, वो खबर भी हमने चलाया, वो बजाबते नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहे हैं कि भाई ये गलत डिसीजन है, इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। ये बात तो माना ही जा रहा है कि ये फैसला गलत है, हम नहीं तमाम नेता ये बात कह रहे हैं। अब उसके बाद आपके राज्य के जब विधायक सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य में ट्रेन 221 करोड़ का संपत्ति नुकसान हो चुका है, नेशनल टेलीविजन पे ये दिया गया है डेटा 221 करोड़ का अभी तक सिर्फ बिहार राज्य में ट्रेन का नुकसान है जो जलाया गया, तो ये 225 करोड़। और उससे भी बड़ा बात कि संवैधानिक पद वो लोग जो बिहार के भाग्य विधाता हैं, जो विधानसभा में जाकर नीति बनाते हैं और उस पर कानून बनता है, वो लोग पिटा रहे हैं। और विनय बिहारी का तो मैंने वीडियो देखा, विनय बिहारी अपना हाथ उनका फुला हुआ था और हाथ झाड़ते हुए हंसते हुए बोल रहे हैं कि चलो बच गए नीचे, मतलब उनको इस बात का खुशी है कि वो बच गए हैं। समझिए कितनी खराब स्थिति है बिहार भाजपा की, कि इनसे तो अच्छे जीतन राम मांझी हैं, इनसे तो अच्छे मतलब आप किसको कहेगा, सभी लोग इन लोग से अच्छे हैं, कम से कम वो पीटे नहीं हैं, उनके घर पर पथराव नहीं हुआ है। इतना होने के बावजूद अगर केंद्र की भाजपा बिहार भाजपा पर रहम नहीं करती हो तो समझिए कि बिहार केंद्र भाजपा के लिए वो राज्य है जहां से उनको 35-40 सांसद चाहिए, इससे ज्यादा बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं है, और क्या माना जाएगा। और नीतीश कुमार मजे ले रहे हैं इस बात का कि चलो इसमें पूरा पूरी नरेंद्र मोदी की बदनामी हो रही है और उनके ही पार्टी के विधायक के साथ ये सब हासिल हो रहा है। नहीं तो अगर राज्य सरकार चाहे तो ये बात डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सरकार के रहते नहीं बिगड़ सकता है, नामुमकिन है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है और सीएम साहब बैठकर बैठक कर रहे हैं कैबिनेट का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और फैसला बालू पर लिया जा रहा है, सबसे हास्यास्पद बात, और क्या कहा जाए इस पर। आपसे एक सवाल रहेगा, पप्पू यादव और चिराग पासवान ही आज पटना के सड़कों पे दिखे, क्या कहिएगा। देखिए ये तो बहुत ही जो भी हो कहते छात्रों के फेवर में देखा जाए तो चिराग पासवान और पप्पू यादव ही हैं, और इन्होंने अपने स्तर से जिनका इतना शक्ति है इन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार में कम से कम विरोध दर्ज कराया। और ये जो है कम से कम छात्रों को ये चीज़ लगता है कि युवा पीढ़ी जो है, जो बिहार में जो युवा लीडरशिप है उसमें चिराग पासवान जो है अपनी कम से कम एक पहचान जो है वो बना रहे हैं और लगातार बिहार में घटनाएं होती है उसको लेकर जाते हैं, तो ये तो इनका काफ़ी अच्छा पहल है। और मैं बात करूँ, उदित ने बताया बिहार बीजेपी का स्थिति, तो बिहार बीजेपी का तो स्थिति अभी ऐसा हो गया है कि बिहार में दो चीज़ रेल और बीजेपी, इसी दो चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी का भवन, बीजेपी का गाड़ी, बीजेपी का झंडा जहां भी दिखाई दे रहा है। जैसे एक कहा जाता ना कि सांड को लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो सांड भड़क जाता है, वैसे भी बिहार के युवाओं की स्थिति हो गई है कि वो बीजेपी का ये झंडा देखते ही उसी तरह भड़क जा रहे हैं। और जैसा कल बेतिया में हुआ, डिप्टी सीएम बिहार भाजपा अध्यक्ष दोनों लोग के घर पर जैसा बवाल हुआ, और सबसे बड़ा बात कि नीतीश कुमार जो है अभी तक एक न ट्वीट और ना ही एक स्टेटमेंट, होम मिनिस्टर बिहार के वही हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं मेरा यूएसपी है। तीन दिनों से बिहार जल रहा है, पुलिस वाले पीटे गए हैं, उनके वाहन तोड़े गए हैं, स्टेशनों पर आग लगाया गया है, आज ही देख लिए मसौढ़ी में, लेकिन वो एक नया वो कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो वही अभी स्थिति में नीतीश कुमार हैं। उनको बस देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है ये दोनों जो रीजनल पार्टी है ना, आरजेडी और जदयू, इनको बस कुर्सी की राजनीति, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है इनको बिहार से। मुझे तो ये लगता है कि इनको बिहार से प्रेम ही नहीं है, क्योंकि अगर इनको प्रेम रहता तो कोई भी व्यक्ति अपना बिहार का एक कंकड़ भी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता है। और तीन चार दिनों से आगजनी हो रहा है, 15 ट्रेन जला दिए गए हैं बिहार में, और 221 करोड़ का बता रहे हैं उदित, ये तो मोटा मोटी होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट वाहन सब जलाए गए हैं, जो बेतिया में मैंने कल हम लोग देखा था कैसे प्राइवेट गाड़ियों के शीशे फोड़े गए, ये हाँ तो दानापुर में फिर से हुआ, तो ये जितना कुछ घटना हो रहा है इस पर आखिर कैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री शांत रह सकता है, जो ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेरा यूएसपी है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसका राज 3 दिनों से चल रहा है।
तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य का बात है। और ये जो बिहार बीजेपी है ये तो निरीह प्राणी बने हुए हैं, केंद्र को मतलब नहीं है। रोज यहाँ पर जब से ये गठबंधन 2017 से बना है, नीतीश कुमार रोज बेइज्जती इन लोग करते हैं, हर एक मुद्दा पर उनको साइड किए हो, लेकिन पता नहीं सत्ता का क्या मोह लगा हुआ है। अब किसको है, आप केंद्र को है कि हमारी सरकार बिहार में रहे, या फिर बिहार के कुछ नेताओं को या मंत्रियों का है कि कुछ भी हो, नीतीश कुमार कितना भी डांटे फटकारे दुत्कारे, लेकिन हमको रहना है तो इन्हीं के साथ रहना है, चाहे हमारी बेइज्जती हो या कुछ भी हो। तो बहुत ही खराब स्थिति है, और लॉ एंड ऑर्डर है नीतीश कुमार के हाथ में। और वो जो है, अब कल देखिए ना, कल संजय जायसवाल तो बोले कि प्रशासन असफल रहा हमारा बचाव करने में। उनका पेट्रोल पंप जो है छावनी वहाँ पर पड़ता है, बेतिया में एक जगह है, वहाँ पेट्रोल पंप को एकदम तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया है। मतलब बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। अभी बीजेपी का नेता होना इतना खतरनाक अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो समझिए कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के नेताओं को बिहार से मतलब है कि नहीं है, क्योंकि कोई सामने नहीं आ रहा है। बीजेपी इस बचाव में लगी हुई है कि हमारी ही सरकार केंद्र से ये योजना लाई है। जदयू जो है उन्हें लग रहा है कि चलो हमारे सहयोगी हैं, वो बदनाम हो रहा है, बदनाम होने दो। आरजेडी चलो ठीक है, आरएसएस का असलियत सामने आ रहा है, बीजेपी का असलियत सामने आ रहा है, वो भी चुप बैठे हुए हैं। तो ले देकर जो है चिराग और पप्पू यादव, यही दो व्यक्ति जो हैं वो सामने। और पप्पू यादव के बारे में तो शुरू से बता दूं, बिहार पर जब भी संकट आया है वहाँ पर एक अगर नेता खड़ा रहा है तो वो पप्पू यादव हैं। चाहे वो पटना का बाढ़ हो, चाहे कोरोना का दोनों साल का फेज आया हो उस समय, या कोई भी ऐसा मामला आता है तो पप्पू यादव कम से कम जितना उनका हैसियत है उस हैसियत के साथ वो निकलते हैं बाहर। तो ये एक जज्बा होना चाहिए बिहार में। देखिए राजनीतिक व्यवस्था एक तरह से खत्म हो गई है, वो रैलियों का विरोध का केवल अब नारों में रह गया है कि संसद सड़क जो है सुना हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। सड़क सुना हो चुका है, कोई नेता इसे फॉलो नहीं करता है। और यहाँ पर जो है बीजेपी की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है, और उनको दोहरा मार लग रहा है, केंद्र से भी लग रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, और राज्य में भी उनको साथ नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो है बिहार को भगवान भरोसे सौंप दिया गया है। यही लग रहा है कि कुछ दिन उपद्रव होगा, कुछ जलती है तो जलने दो, कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो पकड़े दो, थक जाएंगे, हार जाएंगे, घर में चले जाएंगे, यही वाला स्थिति जो नायक फिल्म में जो बोला है ना अमरीश पुरी, वही वाला डायलॉग बिहार में चल रहा है अभी। तो आपने सुना हमारे दोनों सहयोगी थे क्या कुछ कहना था, जिस तरीके से बिहार में घटना हो रही है और लगातार बीजेपी जदयू जो है वो चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। बता दें आपको कि जदयू हो या फिर बीजेपी हो, दोनों को कुर्सी की पर ही हमारे सहयोगी ने बताया है। आपने सुना है, फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।